मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही सुंदर कविता लेकर आया हूँ, और आज की जो अपनी कविता है वो है नदी। ये केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह विविधा से ली गई है, और यहाँ ये जो नदी है वो प्रतीक है सभ्यता या संस्कृति का। यह कविता साहित्यिक खड़ी बोली में लिखी गई है, जो सरल, जिसकी भाषा सरल और सहज है। अगर शैली की बात की जाए तो इसमें कवि ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नदी को सभ्यता या संस्कृति का प्रतीक बताया। और ये इसका जो छंद है वो अतुकांत मुक्त छंद है। और रस की अगर बात की जाए तो इस पूरी कविता में शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता से। पहला पद है, अब पहले पद में बताया है कवि ने कि कैसे सभ्यता या संस्कृति हमारी हर प्रकार से हर जगह मदद करती है, हमारे साथ चलती है। देखो, अगर धीरे चलो, कवि कहते हैं अगर धीरे चलो, यानी हम जो विकास की दौड़ दौड़ रहे, विकास करने की गति में हम आगे बढ़ते चले जा रहे, अगर हम धीरे चलेंगे तो सभ्यता और संस्कृति जो होगी वह भी हमारे साथ चलेगी, यानी वह तुम्हें छू लेगी। कभी कहते हैं कि वह सभ्यता या संस्कृति तुम्हें छू लेगी, अर्थात तुम्हारे साथ साथ चलेगी। दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, यानी अगर हम विकास की इस अंधी दौड़ में दौड़े, आधुनिक बनने की अंधी दौड़ में अगर हम दौड़ते हैं, तेज गति से बढ़ते हैं, तो सभ्यता या संस्कृति पीछे छूट जाती है। और अगर साथ ले लो, कभी कहते हैं कि अगर साथ ले लें हम सभ्यता या संस्कृति को, तो वह चलती चली जाएगी कहीं भी, तो कहीं भी चलती चली जाएगी, यहां तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। अब कबाड़ी की दुकान का अर्थ इधर ये है कि वह जगह जहां बहुत सी सभ्यताओं और संस्कृतियों का मिलन होता है, बहुत सारी सभ्यता या संस्कृति का इकट्ठा एक समूह हो, और मनुष्य यदि अपनी संस्कृति को साथ लिए है तो उस समूह में भी वो जीवित रह सकती है, यानी इतनी विविधता होने के बावजूद भी अपने वजूद को बरकरार रख सकती है, आपके साथ रह सकती है, आपके साथ हमेशा बनी रह सकती है। तो कबाड़ी की दुकान का अर्थ है विभिन्न सभ्यताओं का समूह, समझ गए। अब आगे देखें अगला पद। तो इस तरीके से इस पद में कवि ने बताया कि कैसे सभ्यता या संस्कृति हमारी हर एक परिस्थिति में मदद करती है। अगर हम धीरे चलते हैं तो हमें छू लेती है, अर्थात हमारे साथ साथ चलती, और अगर हम दौड़ते हैं यानी आधुनिक बनने की दौड़ में बहुत तेजी से बढ़ते तो पीछे छूट जाती, यानी हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से फिर पीछे हट जाते, और अगर हम साथ लेकर चलते हैं सभ्यता या संस्कृति को तो वह कबाड़ी की दुकान तक भी चली जाती है, कहीं भी जा सकती। और कबाड़ी की दुकान इधर मतलब है विभिन्न सभ्यताओं का समूह। अब अगला पद देखें, फिर आगे कभी क्या कहते हैं, छोड़ दो तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। अब कभी कहते हैं यदि मनुष्य सभ्यता और संस्कृति से दूरी बनाता है, यानी उसको छोड़ देता है, तो फिर वह समाज से भी अलग हो जाएगा, क्योंकि समाज जो है वो सभ्यता या संस्कृति जो है वो समाज ही सभ्यता संस्कृति का रूप है, तो समाज से भी इस तरीके से व्यक्ति अलग हो जाता है, क्योंकि सभ्यता या संस्कृति तो अपने आप को हमेशा बचा के रखना चाहती है। तो कभी कहते हैं कि छोड़ दो तो वही अंधेरे में, यानी गुमनामी के अंधेरे में, करोड़ों तारों की आंख बचाकर, अर्थात इन तारा समूह जो आकाश हमारे ऊपर छाया हुआ है, इस आकाश में भी, इस आकाश तले यानी इन तारों के समूह के तले भी वो आंख बचाकर, अर्थात चुपके से एक समूची दुनिया, अर्थात अपने आप में एक संपूर्ण दुनिया वो अपनी बना लेती है, अर्थात सभ्यता या संस्कृति अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपनी दुनिया का निर्माण खुद कर लेती है। और कभी आगे क्या कहते हैं, एक छोटे से घोंगे में, यानी अगर थोड़ा सा भी अंश सभ्यता या संस्कृति का बचा है तो उसके लिए फिर उतना ही स्थान अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है जितना एक घोंगा होता है, और घोंगा जितनी जगह पे जीवित रहता है तो घोंगे जैसी छोटी जगह में भी वो अगर एक अंश भी कहीं जीवित है सभ्यता या संस्कृति का, तो वहीं फिर एक पूरी दुनिया बस जाती है, अर्थात सभ्यता और संस्कृति अपना विकास कर लेती है और अपने अस्तित्व को बचा लेती है। फिर कभी आगे क्या कहते हैं, सच्चाई यह है
यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। और कवि कहते हैं कि तुम कहीं भी रहो, यानी मनुष्य कहीं भी रहे, यदि सभ्यता संस्कृति उसके साथ है, तो व्यक्ति का वो कठिन वर्ष के कठिन, यानी किसी वर्ष अगर जो कठिन दिन उस पर मुसीबत आई है, मुसीबत का अर्थ इधर क्या है, कठिन दिनों का अर्थ, कठिन दिनों का इधर मतलब है जो प्रतीक है कठिन दिन, या कठिन दिन प्रतीक है बाहरी जो प्रवृत्तियां हैं, जो दानवीय प्रवृत्तियां हैं उनके आक्रमण का। यानी अगर हम पर बाहरी या दानवीय प्रक्रिया प्रवृत्तियों का आक्रमण भी होता है, तो भी नदी हमें प्यार करती है, अर्थात हमारे साथ बनी रहती है, यानी सभ्यता या संस्कृति हमारे साथ बनी रहती है, वर्ष के कठिन दिनों में भी बनी रहती है। आगे देखें अगला पद, अगले पद में कवि क्या कहते हैं, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में। अब कवि उस घर की बात कर रहे कि जिसका व्यवहार, रहन-सहन, आचरण आधुनिक हो गया है बहुत ज्यादा। यानी कोई कोई ऐसा परिवार होता है जो बहुत एक फैशनेबल होता है, जिनके यहाँ बड़ा फैशन प्रचलित होता है हर एक चीज में, उसके व्यवहार में एक अलग का ढंग, अलग ढंग आ जाता है, और उनको बाहरी रूप से देखने पर ये लगता है कि जैसे वो अपनी सभ्यता या संस्कृति से ऐसा परिवार या ऐसा घर हट गया। तो उसी के यहाँ बात की गई कि नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, यानी उस घर में जो आधुनिक बन गया बहुत, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं। यानी फिर भी यदि सभ्यता या संस्कृति की उनमें झलक नहीं दिखाई देती, तो फिर भी कहीं ना कहीं उनके आचरण में थोड़ी सी झलक मिल जाएगी, या हो सकता है उनकी मानसिकता में, उनके उनके विचारों में उसकी झलक मिल जाएगी। और फिर कभी आगे कहते किसी चटाई पर होगी कहीं ना कहीं, किसी चटाई या फूलदान के नीचे। अब चटाई इधर मतलब है पारस्परिक संबंध, यानी पारस्परिक संबंधों में भी सभ्यता या संस्कृति की झलक हमें मिल जाती है। और फूलदान का इधर अर्थ है कि जो कोमल भावनाएं होती है, भावनाओं के रूप में भी सभ्यता या संस्कृति की झलक हमें मिल सकती है, कि उस परिवार में भी मिल सकती है जिसमें सभ्यता या संस्कृति नहीं दिखाई देती, लेकिन उनकी मानसिकता में, उनके संबंध में, उनकी भावनाओं में भी हमें सभ्यता यानी भावना रूपी फूलदान यानी गुलदस्ते में भी उसकी झलक हमें मिल सकती है। फिर कभी आगे कहते हैं कि चुपचाप बहती हुई, कभी सुनना कि इस प्रकार से जो नदी का प्रवाह है, सभ्यता या संस्कृति का प्रवाह है, वो चुपचाप बह रहा होता है उनमें भी। और चुपचाप बहती हुई कभी सुनना, जब सारा शहर सो जाए, यानी सभ्यता या संस्कृति की अगर हम झलक पाना चाहते हैं इस आधुनिक संसार में, इस आपाधापी और भागदौड़ भरे संसार में, तो इसके लिए हमें उसके अस्तित्व को अगर खोजना है सभ्यता या संस्कृति की, तो चुपचाप हमें सुनना पड़ेगा। तब जब सारा शहर सो जाए, तो किवाड़ों पर कान लगा के सुनना पड़ेगा, धीरे धीरे सुनना पड़ेगा, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराहे की तरह। यानी सभ्यता या संस्कृति की हमें झलक ठीक वैसे ही मिलेगी जैसे मादा घड़ियाल नदी में कराहता है। कहने का अर्थ है कि नदी में अपनी पीड़ा के साथ जब मादा घड़ियाल कराह रही होती है, यह मादा घड़ियाल प्रतीक है मानव मूल्यों का, नैतिक शिक्षा का। तो कवि कहते हैं अगर इस तरीके से हम बड़े ध्यान से सुने, तो संस्कृति की जो दशा है, दुर्दशा है, आधुनिक जब कोई ज्यादा हो जाता है तो संस्कृति या सभ्यता नष्ट होने लगती है, तो अपनी उस नष्ट होती हुई अवस्था में वो कराहती हुई हमें वैसे ही उसकी झलक, उसकी कराह सुनाई दे जाएगी जैसे मादा घड़ियाल कराहता है। तो कवि कहता है एक मादा घड़ियाल की तरह, घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी, यानी सभ्यता या संस्कृति। तो इस तरीके से ये जो कविता है वो यही समाप्त होती है। आशा है ये कविता आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को कृपया करके लाइक जरूर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर बजा दें, क्योंकि मंदिर में आए हैं बच्चों तो घंटी बजाना आवश्यक है, ये शिक्षा का मंदिर है। और आगे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।